Yes, dear students, how are you all? I am going to talk about cooperation and competition. This topic is taken from NCERT book. This is chapter number 7, page 144, class 12. All right. So in this, we are going to cover cooperation and competition. So these are two terms which are given in your NCERT book. So let's start with cooperation. As you can see in the picture, what is cooperation? People are cooperating means they are working together is basically the cooperation. Why are they working together? So you should remember to achieve a goal which they are sharing. All right. And let me reiterate the word that you can rely on the content which is given in the PPT because it is taken from NCERT book. Groups actually they work together. Kyun? Because they have to achieve a goal. Or कॉपरेशन इसलिए भी होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें रिवॉर्ड्स हैं इफ दिस होल टीम विंस सो व्हाट हैपेंस इज दे गेट द रिवॉर्ड सो फॉर दैट आल्सो दे कॉपरेट विद ईच अदर एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन मेंबर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट्स राइट दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट्स और फिर होगा क्या दे वर्क फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट Competition is likely to result. When it comes to competition, उसमें क्या हो जाएगा चलो जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम बात कर लेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है Each member can attain the goal only if other members of the group also attain the goal. क्योंकि ये cooperated activity है ये नहीं हो सकता कि मैंने अपना goal पूरा कर दिया अब I can say कि बस मेरा काम हो गया No, I have to help the other people because we have a common goal, we have a shared goal. All right? Moving further. Cooperative groups there is क्या क्या होता है इन groups में coordination होता है देखिए आपने देखा होगा cooperation अगर आपने कहीं देखना है तो you can see in in sports teams you can see a performance on the stage there is a complete coordination एक भी कोई miss करता है step को so the whole show looks like a waste all right so the coordinated activities होती हैं They accept each other's ideas. क्यों? Because they know that we all are working for a common goal. तो ये oppose नहीं करते एक दूसरे के ideas को सुनते हैं और मानते भी हैं. Members are friendly with each other. क्यों? Because they know they are part of a group. And main concern is to see, in this case, what are we talking about? हाँ, ठीक है. इसमें क्या main concern है? मेन कंसर्न है देखना कि हरेक टीम मेंबर का काम जो है वो टाइम पर और कोऑर्डिनेटेड हो जाए राइट जैसे रिले रेस इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल इवन इन योर बुक आल्सो इट इज गिवन सक्सेस किस पे डिपेंड करती है जब सभी लोग फास्ट भागते हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं अगर ये रिंग जो पास करना है गिर भी गया तो ये रेस विक्ट्री नहीं मानी जाएगी विक्ट्री एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगी इस केस में इट विल डिपेंड ऑन द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टीम मेंबर्स ईच वन हैज टू रन फास्ट ऑलराइट सो इसमें हमारे पास ड्यूश का रेफरेंस दिया है ही इन्वेस्टिगेटेड विद इन सर्टन ग्रुप्स कॉलेज ग्रुप्स को सो दैट यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम योर बुक ऑलराइट डबल्स देखा है ये दोनों की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी से जीतेंगे सिंगल सिंगल नहीं सो दैट्स अनदर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन फिर क्या होगा मेंबर्स अपने अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे वहां क्या था सब वर्किंग टुगेदर थे यहां पर हर मेंबर अपने काम को अपने बेनिफिट को ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा और अपना इंटरेस्ट सोचेगा क्योंकि यहां पर कलेक्टिव रिवॉर्ड्स नहीं है इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स हैं इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ज्यादातर डिफरेंस फॉर्म में टेस्ट करता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन सो यू कैन यूज द सेम पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएशन ईच इंडिविजुअल कैन गेट हिज गोल ओनली इफ अदर्स डोंट एक ने मिस कर दिया तो दूसरा कवर कर जाएगा लेकिन वहां क्या होता था हर एक ग्रुप पूरा कैसे अचीव करेगा जब सभी कलेक्टिवली वर्क करेंगे बेस्ट एग्जाम्पल 100 meter रेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस नॉट of the others okay so there he this man first man is not responsible for his performance so isko fast bhagna hai agar isko jeetna hai to
कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड डिसहार्मनी. जब कॉम्पिटिशन आता है तो थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट आते हैं. इट्स समथिंग लाइक इन अ क्लास रूम यू आर एक्चुअली ऑल दो यू पीपल आर फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स हैं, बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन. फिर कभी कभी आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, राइट, किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए या आगे आने के लिए. डिसहार्मनी भी होनी बिल्कुल पॉसिबल है. कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स लीड्स टू कोहिजन, सॉलिडेरिटी. देखिए कोहिजन, दिस कैन लीड्स टू कन्फ्यूजन, और क्या बोल सकते हो आप इसे, आपस में जो है आइडियाज़ मैच नहीं हो रहे, कॉम्पिटिशन में कन्फ्लिक्ट, यही बोल सकते हैं. सॉलिडेरिटी इंक्रीजेज, राइट, कैन यू सी दे आर शाउटिंग एट ईच अदर एंड नॉट इवन थिंकिंग दैट वॉट काइंड ऑफ एटमोसफियर कैन बी देयर इन द ऑफिस. ओके, देन शेरिफ समर कैंप एक्सपेरिमेंट. ओके, सो शेरिफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया. आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है शेरिफ समर कैंप का, मुजफ्फर शेरिफ, ही वॉज अ हार्वर्ड रिसर्च साइकोलॉजिस्ट. इट इज गिवन ऑन 145 पेज. डोंट गो बाई दीज लाइन्स. फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज शेरिफ समर कैंप एक्सपेरिमेंट. इट इज नॉट गिवन हियर. इट इज गिवन इन द बॉक्स 7.5 बॉक्स ऑन पेज 145. शेरिफ ने एक कैंप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. दिस कैंप एक्सपेरिमेंट का नाम पहले समझ लीजिए, इट वॉज अ जर्नी फ्रॉम इन ग्रुप फॉर्मेशन टू इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन और फिर फाइनली इंटर ग्रुप कॉपरेशन. ओके, सो सबसे पहले उसने क्या किया, देखिए मैंने इसको ना क्रक्स बना के यहाँ डाल दिया. पहले फ्रेंडशिप फॉर्मेशन पे काम किया. कुछ 11-12 साल के बच्चों को, बॉयज को, शेरिफ जो है उन पर एक्सपेरिमेंट किया. उन्हें एक समर कैंप में ले जाया गया. सब लोग आपस में, कोई भी, दे आर अननोन टू ईच अदर. ओके, एंड देयर वाज द रिसर्च इन द कैंप एंड दीज पीपल वर नॉट इवन नोइंग अबाउट इट. तो एक्सपेरिमेंट के चार फेजेस थे विच आर रिटन इन ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट फेज था फ्रेंडशिप फॉर्मेशन. तो इट वॉज समथिंग लाइक ऑल द बॉयज व्हेन दे अराइव्ड एट द कैंप, सो व्हाट हैपेंस इज दे वर लेफ्ट लाइक दिस सो दैट दे शुड स्पेंड टाइम टुगेदर, दे शुड गेट मिक्स प्रॉपरली. ओके, और उन्हें इंडल्ज कर दिया गया, दे कैन चूज द गेम्स एंड एक्टिविटीज. अभी क्या हो गया, फ्रेंडशिप फॉर्मेशन हो गया. फिर दूसरी फॉर्मेशन में डाला गया जिसमें इन ग्रुप फॉर्मेशन था, सेपरेट नेम्स नॉर्म्स. अब इसमें क्या किया गया, नाउ द बॉयज वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एक्सपेरिमेंटर ने उसे अलग अलग कर दिया. नाउ द बॉयज बिलोंगिंग टू द ग्रुप्स दे लिव्ड सेपरेटली. पहले तो उन्हें मिंगल कर दिया, अब अलग कर दिया. मेंबर्स विद इन द ग्रुप जो थे दे एंगेज्ड इन, अब जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में हम सब कोऑपरेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट, और फिर आपस में हमारा कोहिजिवनेस इंक्रीज हो गया. द ग्रुप्स वर गिवन सेपरेट नेम्स, लाइक एक को नेहरू क्लब बना दिया, एक को लाल बहादुर शास्त्री क्लब बना दिया, जैसे स्कूल्स में क्लब्स होते हैं, तो इनको अलग नाम दे दिए गए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज उन ग्रुप्स ने अपने नॉर्म्स डिवेलप कर लिए. यू रिमेंबर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में क्या होता है, नॉर्म्स बन गए. अब उनका कॉम्पिटिशन जी आ गया, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कर दिया. टू ग्रुप्स वर ब्रॉट टुगेदर इन सेवरल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, मैचेस करा दिए गए उनके बीच में. अब क्या हो गया, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया. दिस कॉम्पिटिशन एक्चुअली ब्रॉट वॉट, अब जब हम आपस में कंपीट करेंगे, इट ब्रॉट टेंशन अमंग्स द ग्रुप्स. सो मच सो, इतना टेंशन दैट ग्रुप्स स्टार्टेड कॉलिंग ईच अदर्स नेम्स. ओके, अब वो प्यार नहीं रहा, वो फ्रेंडशिप नहीं रही जो शुरू से थी, लेकिन अब क्या हो गया, ओ ये वो आ गया वहाँ का ग्रुप का, जैसे स्कूल कॉलेजेस में बुली करते हुए दे यूज द नेम्स. सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड डूइंग. ओके, क्योंकि अपने ग्रुप के लिए इसमें क्या हुआ, देखिए बोर्ड पे मैंने इस पर लिखा है, लॉयल्टी स्ट्रॉन्गर हो गई क्योंकि इन ग्रुप कोहिजन बढ़ गया. सो लॉयल्टी पर क्वेश्चन आ गया. लास्ट में व्हाट डिड ही डू, इंटर ग्रुप कोऑपरेशन बना दिया. अब जो हॉस्टिलिटी इंक्रीज हुई उसे रिड्यूस करना चाहते थे, एंड व्हाट डिड ही डू, ही सेड इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कर दिया. इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम विच अफेक्टेड बोथ ग्रुप्स. अब जब बोला मिलके रहेंगे दोबारा से, तो फिर प्रॉब्लम होना था. सुपरऑर्डिनेट गोल्स कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू कॉपरेशन बिटवीन द ग्रुप्स. दिस वॉज द होल थिंग विच दे रियली वॉन्टेड टू टीच. सिखाया कैसे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ग्रुप्स की वाटर सप्लाई को डिस्ट्रप्ट कर दिया.
पानी नहीं मिलेगा जी आपको, ना नहाने के लिए, ना कुछ और कामों के लिए। अब दोनों मेंबर के ग्रुप को बोला गया कि इस प्रॉब्लम से उठने के लिए सबको काम करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल गेट वाटर। इट्स नॉट दैट वन ग्रुप विल वर्क एंड दे विल गेट, इट्स एवरी वन हु हैज टू बी इन्वॉल्व एंड दे विल वर्क टुगेदर। अब क्या टर्न कर दिया, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल रीच टू अ गोल, गोल दैट टू विच पर्सनल गोल वर सबॉर्डिनेटेड। अगर वो पानी का प्रॉब्लम नहीं डालते तो शायद आपस में ये कन्फ्लिक्ट में ही रहता। ओके तो उनको इकट्ठे लाने के लिए एक्चुअली ये सब किया गया। अब ये रिसर्च क्या थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें बताया गया कि सिचुएशंस जो हैं समटाइम्स हॉस्टाइल बिहेवियर कैन बी जनरेटेड बाय ग्रुप सिचुएशंस। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ मुजफ्फर शरीफ ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट विच इज़ कॉल्ड समर कैम्प। सो यू कैन जस्ट कॉपी डाउन दीज की वर्ड्स एंड रेस्ट इज़ गिवन इन योर बुक। In fact, there is one more, I would say, research which is given here is Prisoner's Dilemma Game, right? It's given on 144 page. Prisoner's Dilemma Game, prisoners ko confusion mein dalna ya prisoners ki cooperation ko check karna. To usme kya kiya, there are two parties, like do log hain, two persons game in which both parties are faced with cooperation or competition. Ab ye depend karta tha unki choices pe. दोनों जीत भी सकते हैं, दोनों लूज भी कर सकते हैं। ओके, तो गेम में क्या किया, दो सस्पेक्ट ले लिए गए और डिटेक्टिव्स ने उनको क्विज किया। क्या किया डिटेक्टिव्स ने, देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दे टोल्ड देम कि अगर तो आप एक बंदे को बोला, अगर आप कन्फेस कर लेते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे वाले को सजा दे देंगे। और क्या हो सकता है, दोनों अगर कन्फेस कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, सो व्हाट इज इफ वन कन्फेसेस द अदर डजंट, एंड द वन हु कन्फेसेस विल गेट नो पनिशमेंट। ओके, एंड हिज कन्फेशन विल बी यूज्ड टू कन्विक्ट द अदर पर्सन इन अ सीरियस ऑफेंस, मतलब उसके ऊपर डाल देंगे सब कुछ। इफ बोथ कन्फेस द पनिशमेंट ऑफ बोथ विल बी माइल्ड, अगर दोनों मान जाते हो किया है क्राइम तो कम देंगे भाई। इफ नीदर कन्फेसेस सो ईच विल रिसीव अ लाइट सेंटेंस, तो अगर आप दोनों नहीं करते हैं नीदर कन्फेसेस तो फिर हम आपको पनिशमेंट तो मिलेगी पर कम मिलेगी। दिस गेम हैज़ बीन यूज्ड इन हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ये डेमोंस्ट्रेट किया गया कि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व जहाँ होती हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट भी होगा, दोनों कोऑपरेट भी कर सकते हैं, दोनों कम्पीट भी कर सकते हैं। हो सकता है ए पर्सन अग्री कर जाए और वो मान जाए और बी को पनिश करा दे, तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिशन में उतर आए। बी भी कर सकता है दैट वो कहे कि मैं मुझे बचा लीजिए, आप उसको पनिश कर दीजिए। ये भी हो सकता है दोनों कन्फेस कर दे, दोनों वीक हो जाए, कोऑपरेट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिजनर्स डिलेमा गेम विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 144। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। ओके, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि वेदर पीपल विल कोऑपरेट और कम्पीट। जैसे हमने कहा प्रिजनर्स के केस में कौन सा फैक्टर है जो उन्हें फोर्स करता है कि वो कोऑपरेट करें या कॉम्पिटिशन दें। सो लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो है रिवॉर्ड। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह दें कि उसने सारा क्राइम किया है तो तुम बच जाओगे, तो मुझे क्या हुआ, रिवॉर्ड ने मुझे ईदर आई विल कम्पीट और आई विल कोऑपरेट, राइट, तो इसने मुझे फोर्स किया। सो रिवॉर्ड इज वन थिंग साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, वेदर पीपल विल कोऑपरेट और कम्पीट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब कोऑपरेटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, उन्हें प्रमोटिव, इट प्रमोटिव इंटरडिपेंडेंस, राइट। कोऑपरेटिव रिवॉर्ड में यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक, कोऑपरेटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज द वन इन विच देयर इज प्रमोटिव इंटरडिपेंडेंस, मीन्स दे शो हम दोनों इकट्ठे ही हैं, हम नहीं अलग अलग हो सकते। ईच इज बेनिफिशियरी ऑफ द रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूट, तो हर बंदा कोऑपरेट करेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन में क्या होगा, ओनली वन विल गेट। अगर हम कह दें कॉम्पिटिशन बढ़ाना चाहते हैं तो बोले सिर्फ एक को मिलेगा जी रिवॉर्ड, देख लो आप क्या करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोनों को तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, राइट। ये पेरेंट्स बहुत बार घर में इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर तुम दोनों सिबलिंग्स अच्छे से रूम क्लीन करोगे, ये करोगे, तो तुम दोनों को इक्वल अवार्ड मिलेगा। अब दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे।
अगर दूसरा दे दे जिसका रूम अच्छा होगा दैट पर्सन विल बी गिवन दी रिवॉर्ड. तो अब क्या हो गया आपस में कॉम्पिटिशन. सो दिस इज हाउ पेरेंट्स ऑल्सो यूज दिस टेक्निक रिवॉर्ड. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द सेकेंड वन. कम्युनिकेशन क्या फैसिलिटेट करती है आपस में डिस्कशन इंटरैक्शन. सो रिसर्चर सेज दैट देयर इज अ गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो फिर क्या होगा देयर विल बी हैपनिंग ऑफ कॉपरेशन. कॉपरेशन विल बी बेटर. कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन डिस्कशन. उसके रिजल्ट में क्या होता है ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं एक दूसरे से सीखते हैं तो कॉपरेशन बढ़ सकता है आपस में कम्युनिकेशन से. रेसिप्रोसिटी में भी कभी कभी क्या होता है हम कॉपरेट करते हैं. ऑब्लाइज करना कह सकते हैं हम किसी को. किसी ने मेरे हार्ड टाइम में मुझे मदद की मे बी फाइनेंशियली इमोशनली सोशली तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी उसे रेसिप्रोक करूं. मतलब इन रिटर्न टू दैट आई शुड ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर आई शुड कोऑपरेट विद द पर्सन राइट. सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी. इफ समवन हेल्प्स यू फील लाइक हेल्पिंग दैट पर्सन. ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने रिफ्यूज किया था तो तुम अगली बार में मेरे से मांगना जरा. हम ऐसे बोलते हैं ना. इट मीन्स व्हेन यू डू नॉट व्हेन यू नीड हेल्प दैट पर्सन रिफ्यूज सो यू वुड नॉट लाइक टू हेल्प द पर्सन इन रिटर्न. सो कॉम्पिटिशन हो गया या कॉपरेशन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर उस पर्सन ने पहले कोई एहसान किया है या आप उसे ऑब्लाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन एंड अबाउट विच फैक्टर्स विच आर देयर विच डिटर्मिन दीज टू कॉम्पोनेंट्स. ऑलराइट सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय टेक केयर.